आता दादू या पाठाचा पुढचा भाग आपण अभ्यासूया. एका रविवारी दादूची स्वारी क्रिकेटच्या मैदानावर दिसली तेव्हा तर मी थक्कच झालो. रात्री मी त्याला विचारले तेव्हा म्हातारा लाजेने अगदी चूर झाला. पण थोड्या वेळाने त्याने ते कारण सांगितले की एक इतवार के रोज मैंने दादू की सॉरी जो है क्रिकेट के मैदान के ऊपर देखी. ये देख कर मैं थक्का जालो, थक्क होने, आश्चर्यचकित होने, हैरान होना. लेकर कह रहे है कि दादू को एक दिन मैंने क्रिकेट के मैदान के ऊपर देखा और देख कर मैं हैरान हो गया कि दादू वो भी क्रिकेट के मैदान पर. जब रात में मैंने दादू से उस बारे में पूछा तब वो लाजे ने अगदी चूर जाला. लाजे ने चूर होने खूब शर्म वाटने, जब से बहुत शर्म महसूस हो रही थी, जब से बहुत शर्म आ रही थी. पर थोड़ा वेळाने त्याने ते कारण सांगितले, लेकिन कुछ देर के बाद जो है उसने क्रिकेट के मैदान के ऊपर आने की वजह बताई. उसने कहा आदल्या दिवशी यानी पहले दिन जो है मैंने बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला था कि जब मैं खानावली जहां पर पैसे लेकर टिफिन दिया जाता है कि मैं टिफिन लेने के लिए वहां पर गया, तब मैंने सुना कि कुछ तुलबा आपके खेल के बारे में चर्चा यानी बातें कर रहे थे, आपके पराक्रम आपके कारनामों के बारे में बातें कर रहे थे. तो फिर मुझे महसूस हुआ कि जब इतने सारे लोग मेरे साहब की स्तुति कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो क्यों जाकर देख कर आऊं. इसलिए जो है मैं आपका खेल देखने के लिए मैदान पर आ गया. सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात बाहेरगावी एक सामना ठरला. जहागीरदार नावाचा माझ्या कॉलेजातला एक मित्र आमचा कप्तान होता. माझी फलंदाजी आणि त्याची गोलंदाजी असा धुव्वा उडवला आम्ही दुसऱ्या बाजूचा. लेखक कहते हैं कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में मुंबई के बाहर एक मुकाबला हुआ. उस मुकाबले में जहागीरदार नाम का मेरे ही कॉलेज में पढ़ने वाला मेरा दोस्त कप्तान था. कप्तान यानी कर्णधार, कर्णधार था. हम उस मुकाबले में गए. वहां पर मेरे दोस्त की गोलंदाजी, गोलंदाजी यानी बॉलिंग, और मेरी फलंदाजी यानी मेरी बैटिंग, दोनों ने मिलकर हमने सामने वाली टीम को चारों खाने चित कर दिया. परत येताना मी जहागीरदारच्या गाड़ी मध्ये बसलो. गाड़ी हाकने आणि सामन्याचा गप्पा मारने या दोन गोष्टीपैकी अधिक बेफामपणे ती कोणती गोष्ट करत होता हे सांगणे फार कठीण होते. लेखक कहते हैं कि उस मुकाबले को जीतने के बाद जब हम मुंबई वापस आ रहे थे तब मैं जहागीरदार की गाड़ी में बैठा हुआ था. उस वक्त जहागीरदार गाड़ी चलाना, गाड़ी हाकने नहीं, गाड़ी चलाना और मुकाबले की बातें करना, ये दोनों में से कौन सा काम वो बेफाम बने कर रहा था, बेफाम बने खूब जो मन कर रहा था, ये बताना मेरे लिए मुश्किल है कि वो गाड़ी जोर से चला रहा था या बातें जोर से कर रहा था. खेळताना मनुष्याला भान नसते. खेळाच्या श्रमाने माझे अंग किती आंबून गेले होते याची कल्पना गाडीत बसेपर्यंत मला आली नाही. मग मात्र अंग ठणकू लागले. लेखक कहते हैं कि जब इंसान खेल खेलता है तब उसे किसी बात का एहसास नहीं होता है. इसलिए माझे अंग किती आंबून गेले होते. अंग आंबून जाने म्हणजे शरीर खूप थकने, जिस्म बहुत ज्यादा थक गया ना, कि खेलने की वजह से जो है मेरा जिस्म बहुत थक गया था, याची कल्पना गाडीत बसेपर्यंत मला आली नाही. कि इसका एहसास गाड़ी में बैठने से पहले मुझे नहीं हुआ था, लेकिन जब मैं गाड़ी में बैठा तब मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि मेरा जिस्म जो है बहुत थक चुका है. मग मात्र अंग ठनको लागले, लेकिन उसके बाद जो है मेरा अंग ठनको लागने म्हणजे शरीर दुखने यानी जिस्म में दर्द होने लगा. माझ्या बिराड्यापाशी गाड़ी येताच मी उतरू लागलो तेव्हा जहागीरदार म्हणाला आमच्या बंगल्यावर चल की रे, कि मेरे मुकाम की जगह जब गाड़ी आकर रुकी और मैं गाड़ी में से उतरने लगा तब जहागीरदार मुझसे कहने लगा कि मेरे बंगले के ऊपर चल. अंग फार दुखते मी म्हटल माझ्याच खोलीवर आपण चहा घेऊ. मैंने उससे कहा कि जिस्म बहुत दुख रहा है, जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है, चल मेरे ही कमरे पर चल, हम वहां पर चाय लेते हैं. चहा तो मोठ्याने म्हणाला माझे सुद्धा अंग दुखते, चहाना नाही बरं वाटणार आता. जहागीरदारने कहा चहा, उसने जोरो से कहा चाय, मेरे भी जिसमें बहुत दर्द हो रहा है, चाय से मैं आराम नहीं मिलेगा, मग काय मांगू. फिर मैंने उससे पूछा कि क्या मंगवाऊ. बियर, तो शांतपणे म्हणाला
दादू एकत होता, उसने कहा कि बियर मंगवा। दादू ये सब सुन रहा था। मी विचारात पड़लो, सापावर पाय पड़ावा तसा दादू दचकला, आणि भूत दिसले तर मनुष्य ज्या दृष्टीने त्याच्याकडे पाहिल त्या दृष्टीने तो माझ्याकडे बघू लागला। लेखक कहते है कि जैसे ही जागीरदार ने कहा कि बियर मंगवा, मैं तो सोच में डूब गया। सापावर पाय पड़ावा तसा दादू दचकला, कि जिस तरह सांप के ऊपर अगर किसी इंसान का पैर गिर जाए और जब वो जिस तरह डर जाता है, बिल्कुल दादू भी उसी तरह डर गया। और जिस तरह किसी इंसान को भूत यानी शैतान दिख जाए, वो शैतान को जिस नजर से देखेगा, बिल्कुल उसी नजर से दादू मुझे देख रहा था। मी मटले अगदे धावत जा, जागीरदार ला हवी आहे। मैंने दादू से कहा बिल्कुल दौड़ते हुए जा, जागीरदार को चाहिए। तो जागीरदार असेल नहीं तो राजा असेल, मी जाणार नाही। दादू ने कहा वो जागीरदार होगा नहीं तो कहीं का राजा होगा, मैं बियर लाने के लिए नहीं जाऊंगा। मी हळूच म्हटले दादू या महिन्याला तुला एक रुपया जास्त देईन, मुकाट्याने जानी। मैंने आहिस्ता से कहा कि दादू मैं इस महीने तुझे एक रुपया ज्यादा दूंगा, खामोशी के साथ जा और लेकर आ जा। दादू ने माझी नोट फेंकून दिली, दादू ने मेरी नोट फेंक दी और कहा एक सोडून 100 रुपये दिले तरी। दादू ने मेरी नोट फेंक दी और कहा एक रुपया छोड़कर अगर मुझे आपने 100 रुपये भी दिए तब भी मैं शराब लाने के लिए नहीं जाऊंगा। मी संतापाने म्हटले नोकरीवर ठेवलं होतं तेव्हा मी सांगेन ते काम करायचं कबूल केलं होतेस तू, आता जाता गेलास तर बरा आहे नाही तर। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैंने दादू को गुस्से में कहा कि जब मैंने तुझे काम पर नौकरी पर रखा था उस वक्त कहा था कि मैं जो भी कहूंगा वो काम तुझे करना होगा, इसलिए खामोशी के साथ जा और लेकर आ जा, नहीं तो तुझे। लेखक फिर रुक गए, नहीं तो माझी नौकरी जाईल, होय ना। नमस्कार साहेब, असली काम करून जगण्यापेक्षा पोटात काटे भरीन। पर दादू यहां पर भी रुक गया। लेकर ने जब उसे कहा कि मैंने काम पे रखते वक्त तुझे कहा था कि मैं जो काम करने के लिए कहूंगा वो काम तुझे खामोशी के साथ करने होगे, अभी के अभी जा और लेकर आ, नहीं तो मैं तुझे। लेखक ने अपनी बात को अधूरी छोड़ दी, लेखक कहना चाहते मैं तुझे नौकरी पे से निकाल दूंगा, लेकिन उससे पहले दादू ने कहा कि मेरी नौकरी जाएगी ना। ठीक है साहेब, नमस्कार साहेब, आपकी नौकरी आपको मुबारक। ऐसे बुरे काम करने से बेहतर है कि पोटात काटे भरने यानी तकलीफ की जिंदगी उठाना, बद से बदतर हालत में जिंदगी जीना। मैं बद से बदतर हालत में जिंदगी जी लूंगा लेकिन मैं गलत काम नहीं करूंगा। त्याचा आवाज घोगरा झाला होता, डोळे ही भरून आले होते, पुढे एक शब्द ही न बोलता तो चालू लागला। दादू की आंखें भर आई थी, उसकी आवाज मोटी हो गई थी। अब दादू ने एक लफ्ज भी नहीं कहा और वो चलने लगा।